इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केसेस अस्पताल में उपचाराधीन हैं और पिछले कल एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था और रीनल फेल्यूर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। उनके साथ 3 लोग और दिल्ली से आए थे, उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और उनका टेस्टिंग किया जा रहा है। प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है, देश की स्थिति भी चिंताजनक है। इस वक्त भारतवर्ष में कुल मिला के 49,500 केसेस हैं और 1,700 के आसपास डेथ हुए हैं। यह भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है निगाह, जो ई पासेस इश्यू होते ही जो गांव के प्रधान, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स घरों में जाएंगे और समझाएंगे कि आपका रिश्तेदार आने वाले हैं और होम क्वारंटाइन का आदेश होगा और होम क्वारंटाइन का ये नॉर्म्स को आपको करना होगा, ताकि फैमिली मेंबर्स पहले ही सतर्क रहे, ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होम क्वारंटाइन के बारे में जो आदेश है उसका कड़ाई से पालना हो। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और हम सबको इस स्कीम को पूर्ण रूप से लागू करना है। कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील में 2 लोग बाहर राज्यों से आए और जब उन्हें होम क्वारंटाइन के बारे में समझाने के लिए गांव का प्रधान और आशा वर्कर्स उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनसे बदतमीजी की और वहां से भगाया और जो इंस्ट्रक्शन चिपकाने नहीं दिया, जिस पर उन दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऊना में 10 दुकानों को सील किया है क्योंकि मास्क नहीं पहन रहे थे तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो नहीं कर रहे थे और 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कुल्लू में 2 लोग यूपी से आए थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाने को कहा गया था लेकिन वे अपने घर गए और गांव के प्रधान को झूठ बोला कि उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया था, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। मेरी अनुरोध है इस तरह का हरकतें ना करें और आपको मौका दिया गया है राज्य के अंदर आने के लिए, इसका फायदा उठाए और साथ में लॉकडाउन का नॉर्म्स फॉलो करें, होम क्वारंटाइन का नॉर्म्स फॉलो करें और हिमाचल सरकार को आपको धन्यवाद करना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। धर्मपुर में एक 76 साल की लेडी, जब उसके घर में उनका बेटा, बहू और पोता बाहर राज्य से आए थे तो उस औरत ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश अनुसार, डीजीपी के आदेश अनुसार प्रिकॉशन लेना जो है मेरा कर्तव्य है। वो खुद ही अपने घर से बाहर निकली, किसी और घर में चली गई और उन्हें अंदर आने दिया। लोग हमारा मैसेज का, हमारा अनुरोध को समझते भी हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। WHO का ऑनलाइन COVID-19 के बारे में कोर्सेस का फायदा आप उठा सकते हैं। इस वक्त ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रिकॉशन लेना भी हम सबका कर्तव्य है। इस वक्त किसी एक व्यक्ति अगर लॉकडाउन नॉर्म्स का पालना नहीं करेगा तो पूरे समाज को उसका कीमत चुकाना पड़ता है। इसके पहले जब किसी व्यक्ति कानून का पालना नहीं करता तो कीमत उसी को देना पड़ता था। पहले एक वारदात हुई थी कुछ साल पहले, एक व्यक्ति बिना हेलमेट का मोटरसाइकिल चला रहा था, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, उनको देखते ही उसने हेलमेट पहन ली और आगे निकलते ही फिर से हेलमेट निकाल दिया और एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हुई। उस वक्त ये कीमत उस व्यक्ति को चुकाना पड़ा, लेकिन आज अगर हम कानून तोड़ते हैं उस व्यक्ति को भी कीमत चुकाना पड़ता है, साथ में पूरे समाज को कीमत चुकाना पड़ता है। आज पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट ही ऑरेंज जोन में जा रहा है,
और कई दिन लगेगा ग्रीन जोन में आने के लिए। यह कीमत पूरे समाज को, पूरे जिले को देना पड़ता है। इसलिए पूर्ण रूप से प्रिकॉशन लेना हमारा कर्तव्य है। कानून का पालना सिर्फ इसीलिए नहीं करना है कि पुलिस वाले देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। पुलिस वालों का डर से कानून का पालना नहीं करना चाहिए। एक आदर्श नागरिक होने के नाते कानून का पालना करना हम सबका फर्ज है। इसको फर्ज समझ के पालना करना चाहिए। भारत सरकार मैसेजेस भेज रहे हैं कि लड़ाई बीमारी से है, बीमार से नहीं। कोई भी संक्रमित होता है उसको किसी तरह से कंडेम नहीं करना चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं, वो किसी तरह का अपराधी या मुलजिम है ही नहीं। कोई भी संक्रमित हो सकता है। ब्रिटेन और रशिया के प्रधानमंत्री संक्रमित हुए। मैं भी कोई डोर हैंडल पकड़ता हूं या फाइल पे हाथ लगाता हूं तो मैं भी संक्रमित हो सकता हूं। इसका मतलब नहीं है कि मैं अपराधी हूं। इसलिए समाज किसी तरह से उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनका अपना सिटीजन माने और उन पर प्यार दिखाए। उनका कोई गलती नहीं है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि कंडेम द सिन, लव द सिनर। स्वामी विवेकानंद जी पावहारी बाबा के बारे में एक घटना की जिक्र करते हैं। पावहारी बाबा के कुटिया के अंदर एक चोर घुस जाता है और उनका बर्तनों का चोरी करने लगता है। आवाज सुन के पावहारी बाबा तुरंत उठ जाते हैं और वो चोर बर्तन छोड़ के भागने लगता है। बाबा जी वो बर्तनों को उठा के उसके पीछे पीछे भागते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ही इन बर्तनों का असली मालिक हो। मैं आपके अंदर भगवान का रूप देख रहा हूं। मेरे पास और बर्तन है, मैं वो भी आपको देना चाहता हूं। इसके उपरांत जब स्वामी विवेकानंद जी हिमालय में घूमने लगते हैं, एक जगह उनको एक महान संत मिलते हैं और उनके आसपास उनके शिष्य लोग बैठे हुए। उस महान संत ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि मैं वही चोर हूं जो पावहारी बाबा के कुटिया के अंदर जाके बर्तन का चोरी कर रहा था। जब बाबा ने कहा कि मैं आपके अंदर भगवान को देख रहा हूं, इन बातों से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। मैं आत्मचिंतन करने लगा और अल्टीमेटली मैं एक संत बना और दूसरों को मैं संदेश देना शुरू किया। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने सही कहा है कि कंडेम द सिन, लव द सिनर। पावहारी बाबा ने उस सिनर जो तीफ के साथ प्यार दिखाया और उसका परिवर्तन हुआ है। ये संभव है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कंडेम द सिन, डोंट कंडेम द सिनर। ये एटीट्यूड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम भी लागू करना शुरू किया है। इसीलिए पहले प्रिजन डिपार्टमेंट को कहते थे कि कारागार विभाग, अब कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज। जेल को हम कहते हैं सुधार गृह। वहां पे लोगों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। वो अपना एजुकेशन परस्यू करे, स्किल डेवलपमेंट करे, ताकि जैसे जेल से बाहर निकलते हैं दे आर फिट टू लिव इन द सोसाइटी। जो चिल्ड्रन गलती करते हैं 18 साल से कम उम्र वाले, उनको अपराधी नहीं कह सकते। कानून के मुताबिक हमें उनको कहना होगा जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। बच्चे जिनका कानून के साथ संघर्ष है, ये शब्द प्रयोग करना है। पुलिस थाने में उन्हें हम लॉकअप में नहीं रख सकते, हम नॉर्मल जेल में उनको नहीं भेज सकते। उनको चिल्ड्रन होम में भेजा जाएगा जहां उनका पढ़ाई का ध्यान रखा जाएगा, ताकि दे शुड नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, दे शुड फिट टू लिव इन द सोसाइटी। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बनते जा रहा है। महात्मा गांधी जी का जो बातें कंडेम द सिन नॉट द सिनर, इसको जेल विभाग भी लागू करते जा रहे हैं। इसीलिए हम इनसे प्यार से इनके साथ व्यवहार करें, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। लेकिन
कानून का पालना करना पूरे समाज का दायित्व है। अगर हम कानून का पालना नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, भगवान भी हमें मदद नहीं कर पाएंगे। इफ वी डोंट टेक प्रिकॉशन, इवन गॉड विल नॉट हेल्प अस। धन्यवाद। जय हिंद।